आज हम इस वीडियो लेक्चर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के अंतर्गत ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि पहले वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि डीएनए में जो मिलने वाले जो बेसिस होते हैं, जो क्षार होते हैं, उनका जो अनुक्रम होता है वो किसी भी जीव का आनुवंशिक सूचना का निर्धारण करता है। यानी कि जो सिक्वेंस ऑफ बेसिस होते हैं डीएनए में, वो डिटरमाइंस करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिजम्स। दूसरे शब्दों में कहें कि जेनेटिक जो मेकअप है ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स का और एन इंडिविजुअल्स का, वो डीएनए सिक्वेंस ये बताता है कि दूसरे शब्दों में कह रहे हैं बताता है कि जीव की जो आनुवंशिक व्यवस्था है उसके डीएनए में मिलने वाले अनुक्रम से निर्धारित होती है। यानी कि जो अनुक्रम होता है, जो सीक्वेंस होता है, वो जो आनुवंशिक व्यवस्था के अंतर आनुवंशिक व्यवस्था जो है, जो डीएनए में जो अनुक्रम है वो उसी से ही निर्धारित होती है जो आनुवंशिक व्यवस्था होती है किसी जीव के अंतर्गत। दो विभिन्न व्यक्तियों में जो मिलने वाले डीएनए होते हैं उनका जो सीक्वेंस होता है, अनुक्रम होता है, कुछ जगहों पर भिन्न भिन्न होता है। ये जो कुछ जगहों पर भिन्न भिन्न होता है, ये कल्पनाएं मानव जीनोम में मिलने वाले जो पूर्ण डीएनए अनुक्रम होते हैं के बारे में पता लगाने के लिए विवश करती है। यानी कि जो दीज असम्पशन है, यो दीज असम्पशंस लीड टू क्विस्ट टू फाइंडिंग आउट द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम विथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स वेयर इट वॉज पॉसिबल टू आइसोलेट एंड क्लोन एनी पीस ऑफ डीएनए एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सिंपल एंड फास्ट टेक्निक्स फॉर डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंस। ए वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम वॉज लॉन्च्ड इन ईयर 1990। यानी 1990 में जो ये मानव जीनोम जो प्रोजेक्ट है को पता लगाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई। यानी डीएनए अनुवांशिक यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो टेक्निक है उसके विकास से किसी भी डीएनए खंड का, जो किसी भी डीएनए सेगमेंट का, हम उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं किसी भी डीएनए सेगमेंट को, और उसको क्लोन और किसी भी पीस का, किसी भी खंड का उसका हम क्लोन कर सकते हैं। यानी कि हम विथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स वेयर इट वॉज पॉसिबल टू आइसोलेट एंड क्लोन एनी पीस ऑफ डीएनए एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सिंपल एंड फास्ट टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंस। यानी कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकों के विकास से किसी भी डीएनए खंड को हम विलगित कर सकते हैं और उसका क्लोन कर सकते हैं। डीएनए अनुक्रम, डीएनए सीक्वेंस, डीएनए अनुक्रम को शीघ्र जानने के लिए साधारण तकनीक जो है वो 1990 में मानव जीनोम के अनुक्रमों को पता लगाने के लिए ये एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई। अब बात करते हैं कि मानव जीनोम जो प्रोजेक्ट है वो एक मेगा प्रोजेक्ट है, और यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट इफ वी सिंपली डिफाइन द एम्स ऑफ प्रोजेक्ट एज फॉलो। तो इसके जो एम्स हैं, जो जिनका विस्तार जब किया गया है, यदि इस योजना के उद्देश्यों को ध्यान दें तो इसके विस्तार और आवश्यकता के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि मानव जीनोम जो प्रोजेक्ट है उसमें मानव जीनोम की बात करें तो उसमें 3×10^9 क्षार युग्म मिलते हैं। यानी 3×10^9 बेस पेयर्स मिलते हैं ह्यूमन जीनोम में अप्रॉक्सीमेटली। तो इतना इफ कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड्स कितना, $3 पर बेस पे, यानी कि $3 खर्च होते हैं अनुक्रम को जानने के लिए, इनके सीक्वेंस को जानने के लिए, प्रति जो बेस होता है, प्रत्येक क्षार जो होता है उसके लिए $3 खर्च होते हैं, और पूरी योजना पर खर्च होने की जो लागत होती है वो नाइन बिलियन अमेरिकी डॉलर होता है पूरी योजना पर खर्च करने वाली जो लागत होती है। अब जो प्राप्त अनुक्रमों को यदि हम इनको हम क्या करें, जो ये अनुक्रम जो सीक्वेंस प्राप्त होते हैं इनको अब क्या करना है, इनको हम स्टोर करते हैं और इनको एनालिसिस करते हैं, तो इसके लिए क्या है,
ऑब्टेंड सीक्वेंसेस वर टू बी स्टोर्ड इन टाइप ऑफ बुक्स, तो क्या होगा, ईच पेज ऑफ बुक कंटेंट 1000 लेटर्स, तो वो किताब क्या होगी, उसमें 1000 अक्षर होंगे और उसमें क्या होगा 1000 पेजेज होंगे और ऐसी 3300 बुकों की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी बुकों की आवश्यकता पड़ेगी, 3300 बुकों की आवश्यकता पड़ेगी। 3300 सच बुक्स वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम ए सिंगल ह्यूमन सेल। तो 1000 अक्षर हों और 1000 पृष्ठ होंगे इस किताब में, 1000 लेटर्स हैं और 1000 पृष्ठ होंगे, और इस तरह से मानव कोशिका के जो डीएनए की सूचना को संकलित करने के लिए ऐसी 3300 किताबों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार बड़ी संख्या में आंकड़ों की प्राप्ति के लिए उच्च गतकीय संगणक साधन की आवश्यकता होगी, यानी कि जिसके लिए क्या होगा, जो इनको हम जब स्टोर करेंगे, एनालाइज करेंगे और उनको पुनः उपयोग में लाने के लिए यानी रिट्रैवल करने के लिए क्या होगा, इसके लिए हमें जो कंप्यूटिंग यानी कि हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस की आवश्यकता होगी, उच्च गतकीय संगणक साधन की आवश्यकता होगी, हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस की आवश्यकता होगी जो कि ये डाटा को स्टोरेज करेगा, रिट्रैवल करेगा और उसको एनालाइज करने में हमारी सहायता करेगा, पुनः उपयोग में हमारी सहायता मिलती है। इस प्रकार के हाई, ठीक है, हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज क्लोजली एसोसिएटेड विथ द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन बायोलॉजी कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी, जो जीव विज्ञान के इस नए क्षेत्र का जो तेजी से विस्तार हुआ है वो ये संभव हो पाया है, वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। जो ये तेजी से विस्तार हुआ है जीव विज्ञान के इस नए क्षेत्र का, इसे हम जैव सूचना विज्ञान या बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं, यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज क्लोजली एसोसिएटेड विथ द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन बायोलॉजी कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, से हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। अब देखिए गोल्स क्या क्या हैं, गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स क्या क्या हैं। देखिए सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि सम इम्पॉर्टेंट गोल्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए, जो 20,000 to 25,000 सभी जीनों के बारे में पता लगाना है, ये गोल हैं। यानी मानो डीएनए में जो मिलने वाले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हैं उसके मुख्य लक्षण क्या हैं, कि 20,000 to 25,000 जो हमें पता लगाना है जीन इन डीएनए, डीएनए में जो 20,000 to 25,000 जीन्स हैं उनको हमें पता लगाना है। दूसरी बात, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 billion केमिकल बेस पेयर्स दैट मेकअप ह्यूमन डीएनए, मानो डीएनए को बताने वाले 3 billion रासायनिक क्षार युग्मों के अनुक्रमों को निर्धारित करना है। जो 3 billion केमिकल बेस पेयर हैं उनको हमें, उनके सीक्वेंस को हमें निर्धारित करना है। मानव डीएनए को बनाने वाले 3 billion रासायनिक क्षार युग्मक हैं, उनके अनुक्रमों को निर्धारित करना है। अब देखिए, उपयुक्त जानकारी को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना है, जो ये इन्फॉर्मेशन है इनको डाटाबेस के रूप में संग्रहित करना है। फिर इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, फिर इसके बाद ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज, और एड्रेस द एथिकल लीगल सोशल इश्यूज ELIC, जिसको बोलते हैं ELSI, यानी कि एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइजेस फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो उपयुक्त जानकारी को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना है, आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नई तकनीक सुधार करना है, नई तकनीक का सुधार करना है, योजना द्वारा उठने वाले जैसे नैतिक, कानूनी और सामाजिक मुद्दे जो होते हैं उनके बारे में विचार करना है। तो ये क्या हैं, ये गोल्स हैं
गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहते हैं आपसे वीडियो को यहीं समाप्त करने की। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।